कान्हा जिले के नवनिर्मित जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने ट्रेजरी विभाग जाकर स्टैंड पेपर समेत अन्य दस्तावेजों को बारीकी से जांचते हुए जिले का कार्यभार संभाला। नए जिलाधिकारी से बांदा जिले के लोगों को कई उम्मीदें और आशाएं हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने बताया है कि जिला बांदा तपोभूमि है, जहां हमेशा से ही देवों का वास रहा है। जनपद बांदा चित्रकूट से जुड़ा हुआ है, जहां श्री राम ने 14 वर्ष बिताए थे और यहां हमेशा से ही पानी की समस्या रही है, जिसे सरकारी योजनाओं से दूर किया जाएगा और घर घर पानी की रोटियां नजर आए, इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा। वहीं जनपद की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए समितियां बनाई जाएंगी और समस्याओं को दूर किया जाएगा। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपने अभी तक क्या देखा और बांदा के बारे में अभी तक आपको क्या जानकारी? जी सर, देखिए बांदा बुंदेलखंड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल का मंडलीय मुख्यालय भी है। और चित्रकूट जनपद से जुड़ा होने के कारण बांदा एक पौराणिक स्थल है और यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हर स्कूली बच्चा जानता है। तो मेरा मानना है कि पूर्वांचल के विकास में, समग्र विकास में, बांदा के विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और मैं आशा करता हूँ कि इस विकास के पथ पर आप सभी लोग जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग, जैसे पूर्व में प्रदान करते रहे हैं, ऐसे भविष्य में भी हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। क्या रणनीति होगी, आपने कुछ तो सोचा होगा? देखिए, सरकार वर्तमान में बुंदेलखंड के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजना ला रही है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आप जानते हैं कि घर घर पाइप पेयजल योजना लाने की कार्रवाई की जा रही है। इसको सकारात्मक रूप देने में जिला प्रशासन भरपूर प्रयास करेगा और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बुंदेलखंड में पूर्व वर्षों की भांति जैसे सूखे में टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ती थी और बड़े युद्ध स्तर पर काम किया जाता था, वैसी स्थिति ना आने पाए और भविष्य में बुंदेलखंड सूखे के कारण ना जाना जाए, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड नहीं बांदा अपनी मिसाल कायम करे कि जहाँ हर घर में टोटी से पानी मिल रहा हो। सर।